वसन न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सतार। जाने माने सुपरस्टार द्वारकेश का मौत हो गई है कल। आज अंतिम संस्कार भी हो गया है। द्वारकेश एक छोटे एक्टर से लेकर बहुत तकलीफ उठाकर यहां तक आ गए ताकि वो एक सुपरस्टार के काबिलियत बन गए। अब द्वारकेश के कई फिल्में विदेशों में भी बन गए हैं और कर्नाटक में बहुत सारे देशों में उनके फिल्में हिट होते ही आने लग गए। ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर कलर तक उन्होंने जो भी फिल्में बनाई, जिसके साथ उन्होंने एक्टिंग की, रोल निभाई, वो फिल्म हिट हो गई। अब तो डॉक्टर राजकुमार के साथ भी उन्होंने एक्टिंग कर दी और सबसे ज्यादा विष्णुवर्धन के साथ उनकी जोड़ी इतनी जम जाती थी ताकि कोई भी अगर फिल्म देखने के लिए जाएंगे, इन दोनों जोड़ियों के देखकर फिल्म हिट हो जाती थी। अब द्वारकेश इस दुनिया में तो नहीं रह गए, मगर उनकी याददाश्त, उनकी अदा, उनकी कला अब तो वो छोड़ गए, मगर आज उन्हीं की यादों में आज इस दुनिया में द्वारकेश इतने बड़े कलाकार बनते बनते एक हीरो का किरदार निभाते हुए उन्होंने डायरेक्टर बन गए, प्रोड्यूसर बन गए और खुद तो एक्टिंग इतना जोरदार से करते थे ताकि उनकी जिंदगी पूरी हंसते हंसाते और लोगों के इसी में ही दिल जीत ली द्वारकेश ने। तो आज पूरे सारे कर्नाटक में आज अफसोस ये हो गया है, मगर ऐसे एक्टर हंसाने वाले अब दोबारा इस धरती पर इस जन्म नहीं लेते। अब तो सिर्फ फिल्में ऐसे हैं, मगर एक हीरो, एक हीरोइन और उनके माता पिता हो गए तो बस फिल्म खत्म हो गई। ना वहाँ पर कॉमेडी है, ना फिर वहाँ पर किसी विलन का जरूरी है। अब तो पहले की फिल्में इतनी तकलीफें उठाना पड़ता था, कॉमेडी भी, सीरियस एक्टिंग भी, हर तरह से एक्टिंग करना जरूरी था, मगर अब इतने स्टूडियो भी बनते हुए भी पिक्चर हिट नहीं हो पा रहे। मगर उस जमाने से लेकर आज तक द्वारकेश इतने फिल्में बनाए, आज तक कोई भी फिल्म उनकी हिट नहीं हो गई, ऐसा कोई बात नहीं, मगर हर पिक्चर हिट होते ही आने लग गए। तो इसी तरह आज उनके निधन पर सारे कर्नाटक में लोग अफसोस होने लग गए, ताकि आज भी उनके फिल्में टीवी पर रह गए तो देखते हैं, मोबाइल पर भी देखते हैं, ताकि उनकी जिंदगी हंसते हंसाते जिंदगी चली गई, मगर आज इस दुनिया में द्वारकेश नहीं रह गए, मगर उनकी याददाश्त जरूर रह गए। देखेंगे एक रिपोर्ट में।